So, hi guys. Welcome back to my YouTube channel. So, मेरे पंचायती के ब्लॉग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, तो यही सोच के मैंने डिसाइड किया कि मैं मुंबई के प्लेस को एक्सप्लोर करूंगी। सो आज जो मैं आई हूँ वो है आरसीटी घाटकोपर में। तो मैं ट्रेन से आई, ट्रेन से घाटकोपर स्टेशन के बाद आई टुक एन ऑटो और ऑटो से मैं आ गई आरसीटी मॉल। आरसीटी मॉल के अंदर जो है वो है टाइम जोन और स्मैश, तो दोनों अलग अलग प्लेसेस पे है ये, और कैसा पूरा डिटेल्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा आपका नाम और आप कितने पर्सन अंदर जाने वाले हो। सो हम लोग ने रजिस्टर कर लिया है और अभी हम लोग अंदर आ गए हैं। सो अगर आपको यहाँ पे गेम्स खेलना है तो आपको यहाँ पे कार्ड इशू होता है। सो ये आप देख रहे हो, ये प्राइस है वो कार्ड का, तो इतने मिनिमम पेमेंट है या फिर इतना, इस पर कितना एक्स्ट्रा मिलेगा वो डिटेल्स आपको इसमें दिया गया है, तो इस हिसाब से आप रिचार्ज कर लीजिए। सो चलते हैं बॉलिंग एले के तरफ। सो ये आप देख रहे हो। सो इसका रिचार्ज जो भी कुछ है वो मैंने वीडियो के एंड में आपको बता दिया है पूरा प्रॉपर रिव्यू के साथ। सो आप आगे वीडियो ज़रूर देखिए। सो यहाँ पे बॉलिंग एले में आपको फूड और ड्रिंक्स अंदर ही मिल जाएंगे, जो फन सिटी में नहीं है, तो आपको यहाँ पे विद फूड सब कुछ मिल जाएगा। और वैसे तो मैं अच्छा बॉलिंग कर लेती हूँ, बट स्मैश का ये मेरे को समझा ही नहीं है, लेन कहीं बॉल कहीं और ही जा रहा था, डाल स्ट्रेट भी रही हो तो भी। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे विद फूड सब मिल जाता है, तो ये ओवरऑल ये बॉलिंग एरिया मैंने आपको दिखा दिया है। ये आप गेम्स मैंने आपको बहुत सारे दिखा दिए हैं, तो स्मैश के अंदर आपको ये स्पोर्ट्स बार मिल जाएगा जहाँ पे आप ड्रिंक एंड ऑल कर सकते हो। सो बॉयज का फेवरेट गेम और क्रिकेट लवर्स के लिए ये गेम है।
गिफ्ट के लालच में हम लोग ने ये गेम खेल लिया था जिसका चार्ज 130 रुपीज़ था। सो ये जो भी नंबर पे आएगा वो गिफ्ट तुमको मिलेगा। तो ये ऑलरेडी कुछ सेट ही था तो नंबर तो कुछ लगा नहीं, बट ठीक है। तो मैंने आपको स्मैश का तो प्रॉपर ही दिखा दिया है। तो आज वीकेंड है, इसमें थोड़ा सा भीड़ है, तभी हम लोग करते हैं टाइम जोन की। सो हाय गाइस, तो हम लोग वापस आ गए हैं स्मैश से। तो मुझे आपको जेन्युइन रिव्यू देना है इसके बारे में। सो मैं जो आई हूँ वो आई हूँ वीकेंड में, और तो वीकेंड का जो कॉस्ट है वो कार का वो 1500 रुपीज है, और वीकडे में वो होते हैं 1000 रुपीज। सो 1000 ही का जो GST वगैरह कट के आपको 800 ही कुछ आ जाएगा कार में। और कॉलिंग का बात करते हैं तो वीकेंड में ये 400 रुपए है और वीकडे में जस्ट 270 रुपीज। तो मुझे काफी हाइक लगा ये वीकेंड के प्राइस का। सो बात करते हैं कॉलिंग के लिए, कहीं और डाल दू जा कहीं और रहें। सो मेक श्योर आप वीकडे में आओ, जहाँ पे चार्जेस का मतलब अंदर भी बहुत और गेम्स है वो भी मैंने खेले हैं। सो फिर अभी हम चलते हैं टाइम जोन पे। सो लेट्स गो। तो स्मैश तो मैंने आपको दिखा दिया है, तो स्मैश से जस्ट थोड़ा आगे ही टाइम जोन है। तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं क्योंकि मुझे भी इतना डिटेल्स नहीं पता, तो मैं अंदर आप पूरा डिटेल्स लेके मैं आपको एंड में तो इसका जेन्युइन रिव्यू देने ही वाली हूँ। सो लेट्स गो। आज वीकेंड है तो बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे। सो अभी फिर मैं आपको दिखाई दूँ थोड़ा रश को झेल लो अभी। सो कम मतलब मैं जब फन सिटी में गई थी ना, तो फ्रेंकली बोलूँ मुझे वहाँ पे GST नहीं था, वहाँ पे GST कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हर एक चीज पे GST, यहाँ पे भी लिखा 18% GST ऑन कार्ड। तो मतलब तो लुधियाना काफी अच्छा है फन सिटी, अगर GST वगैरह का कुछ टेंशन नहीं है। सो एक बार स्क्रीन को पॉज करके आप इसका जो पूरा प्राइस का डिटेल्स है वो देख लीजिए और उसी हिसाब से आप यहाँ पे रिचार्ज कर लेना। तो हमने जो है वो रिचार्ज किया है, तो मुझे अभी पे गेम से दिखे तो मैंने सिर्फ 600 का रिचार्ज किया है। इसके 18% मुझे GST लग के सिर्फ 512 रुपीज मिला है। तो उस हिसाब से मुझे इतने गेम्स के लगे इससे मैंने नहीं किया। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे 600-1100 के ऐसे रिचार्ज है प्लस GST है, तो एक एक गेम फिर देखते हैं। ये जो गेम है इसके ऊपर स्क्रीन जैसे आपको दिख रहा है तो वो कट करना है, तो कट करने के बाद ये बड़ा सा हाथी मिलेगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना उस पर मेरे को नहीं लग रहा कुछ और है। चल
फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने 3 टेडी ऐसे जीते मैंने ऊपर। अभी आप जो क्लिप्स देख रहे हो वो मैं वीकडे में गई थी, तब का है। तो आप जैसे देख रहे हो ये पूरा खाली होता है वीकडे में। जैसे कि आप देख रहे हो कि वीकडे में ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा खाली हो जाता है, तो आपको सारे गेम्स इजीली खेलने में मिल जाएंगे, बिकॉज वीकेंड में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही रश था जब मैं गई थी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइम जोन और स्मैश का दोनों अलग अलग कार्ड्स हैं, तो आपको अलग अलग रिचार्ज करना पड़ेगा। सो फ्रैंकली बोलूँ तो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, बट सबका अलग अलग चॉइस होता है, तो आप यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ बहुत सारे गेम्स खेलिए। स्टे ट्यून्ड।